हेलो, आज हम पांडास पे काम करेंगे। पांडास एक पाइथन के ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, और इसके साथ आप डेटा जब आता है आपके पास तो बहुत मैसी होता है। उस डेटा आपको आप क्लीन कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आप डेटा के साथ खेल सकते हैं इस लाइब्रेरी के थ्रू। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आप अपनी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलें, सही है। और इस प्रॉम्प्ट में आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल पेंडास, सही है। एंटर करेंगे तो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट पेंडास SPD, ठीक है। इसको रन करें आप, रन हो जाएगी। और मैं नंपाई भी कर देता हूँ इंपोर्ट SNP। और आज हम पेंडास की जो एक सीरीज एक फंक्शनलिटी उस पर काम करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं कुछ डेटा क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं एक लेबल बनाता हूँ जो कि मैं दे देता हूँ कि ए बी सी, और मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं दे देता हूँ 100, 200, 300। मैं एक एरे बना देता हूँ जिसमें मैं देता हूँ np.array, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 1, 2, 3। और मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ, DSC से डिक्शनरी बना देता हूँ, और जिसमें मैं देता हूँ अपना एक को मैं वैल्यू दे देता हूँ 100, एंड बी को वैल्यू मैं दे देता हूँ 200, और सी को मैं वैल्यू दे देता हूँ 300। ठीक हो गया। अब हम pd.series, और इसमें आप अगर देखें तो इसकी फंक्शनलिटीज क्या थी pd में। अब आप डेटा दे सकते हैं, इंडेक्स दे सकते हैं, डी टाइप दे सकते हैं, नेम कुछ भी दे सकते हैं, सही है। तो अभी के लिए मैं इसको सिर्फ एक लिस्ट दे रहा हूँ l। ये हमारी जो लिस्ट है जिसमें 100 200 l मैंने दिए, तो देखो हमारे पास क्या आया है 100, ये 200, 300, और इनकी यहाँ पे ये इंडेक्सेस आ गई हैं 0, 1, 2, ठीक। ये इंडेक्सेस आ गई हैं। और अभी यहाँ पे अगर मैं लेबल भी दे देता हूँ तो उस इंडेक्सेस को इसने ABC ये लेबल दे दिए। तो ये जो लेबल थे ना, ये अब यहाँ पे इंडेक्स पे आ गए। और ये देखें किस तरह डेटा की जगह L आ गया और इंडेक्स की जगह ये आ गया। आप इसी को इस तरह भी दे सकते हैं कि डेटा इक्वल टू ये और इंडेक्स इक्वल टू लेबल, इस तरह भी दे सकते हैं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, सही है। क्योंकि ये पहले यही आर्ग्यूमेंट्स हैं तो आप जस्ट एल और लेबल भी दे सकते हैं, सही है। अब यही काम डिक्शनरी में खुद ही हो जाता है क्योंकि डिक्शनरी में कीज होती हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं। तो अगर आप pd.series और उसके अंदर अगर आप डिक्शनरी देंगे तो ये खुद ही वैल्यूज और उसकी इंडेक्स ये दे देगा, क्योंकि लिस्ट में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिस तरह हम उसकी इंडेक्स दे सकें, लेकिन डिक्शनरी में यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी तरह हमने अपना एक एरे क्रिएट किया था जो ये है, तो pd.series, और इसमें मैं अगर एरे देता हूँ तो सिमिलरली इसी तरह ये इंडेक्स खुद ही 0 से स्टार्ट हो जाएंगी, और इसी तरह इसमें मैं अगर लेबल दे दूँ तो यहाँ पे लेबल आ जाएंगी। तो हमारे पास सीरीज़ क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। एक आप लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं और लेबल स्पेसिफिकली आपको मेंशन करने पड़ेंगे उसमें, और आप एरे से क्रिएट कर सकते हैं उसमें भी आपको लेबल खुद देने पड़ेंगे, इंडेक्सेस जो सॉरी इंडेक्सेस आपको खुद देने पड़ेंगे। डिक्शनरी से क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरह, यूजुअली मैं क्या करता हूँ डिक्शनरी से क्रिएट करता हूँ क्योंकि इसमें एक ही बार सारा काम हो जाता है। और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि आप नंबर ही दें। अगर मैं pd.series देता हूँ और मैं डेटा को लेबल्स ही दे देता हूँ, और लेबल्स में हमारे पास क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि लेबल्स में हमारे पास क्या है। लेबल्स में हमारे पास सॉरी लेबल है, लेबल में हमारे पास ABC है, सही है। तो मैं अगर डेटा को ये दे रहा हूँ तो हमारी यहाँ पे जो डेटा होगी उसकी जगह ABC यूज़ होगा। नॉट ओनली दिस, आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हमारे जो लेबल हैं वो मैं दे देता हूँ कि लेंथ का फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन है, और मैक्स का फंक्शन है। ये तीनों फंक्शंस हैं, सही है। प्रिंट से हम प्रिंट करते हैं, लेंथ से हम किसी चीज़ की लेंथ मालूम करते हैं। अब मैं pd.series और इसमें मैं डेटा इक्वल टू लेबल दे देता हूँ,
तो ये देखो, जीरो इंडेक्स पे लेंथ का फंक्शन आ गया, वन इंडेक्स पे प्रिंट का फंक्शन आ गया, और सेकंड इंडेक्स पे ये आ गया। तो द थिंग इज कि डेटा में तो आप कुछ भी दे सकते हैं, नॉट ओनली वैल्यूज, नॉट ओनली फंक्शंस, आप लिस्ट भी दे सकते हैं, आप डिक्शनरीज दे सकते हैं, आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं इसमें। अब मैं एक क्रिएट करता हूँ कुछ डेटा, हम देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है वो ये कि हम इसमें डेटा को किस तरह एक्सेस करेंगे ये वो। तो मैं एक सीरीज़ बनाते हैं, सीरीज़ वन, उसको मैं दे देता हूँ कि लेट्स से सीरीज़ वन के मैं लेबल्स बनाता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सही है। और इसकी सीरीज़ वन की जो डेटा मैं दे रहा हूँ वो हमारे पास लेट सपोज 1, 2, 3, सही है। और मैं सीरीज़ टू बनाता हूँ, सीरीज़ टू लेट से हमारे पास है यूएसए, पाकिस्तान और इंडिया, सही है। और सीरीज़ टू की मैं वैल्यूज लेट से दे देता हूँ 10, 20, 30, सही है। अब आप आपकी अगर मैं देता हूँ pd.sr s1 इक्वल टू मैं देता हूँ pd.series, और इसमें हमारे पास डेटा हमारी है s, और यहाँ पे ये 1 है, सही है। s, अच्छा 1 तो नहीं होगा ना, 1 1 दे देता हूँ क्योंकि वेरिएबल नाम सेम तो नहीं हो सकते। ओके, तो sr1 हमारी 1 1 डेटा हो गई, और इसके लेबल्स हो गए sr1, सही। और इसी तरह s2 हमारी जो होगी वो pd.series, और उसमें आपकी डेटा हो जाएगी sr22 एंड sr2 आपके लेबल्स होंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा s1 क्या है, ये हो गया, और s2 क्या है। s1 में देखो क्या हमारे पास लेबल्स हमने ये दिए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वैल्यूज हैं, यूएस, ये, सही है। अब अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज s1 में मैं अगर कोई इंडेक्स का नाम दूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह ये किसी सीरीज में है ना, हम इंडेक्स से उसकी वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडिया मैंने नाम दिया तो हमें इसे 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह मैं पाकिस्तान का नाम दे रहा हूँ तो इसे 1 आ गया, सही है। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, s1 और s2 को ऐड करता हूँ, तो हमारे पास देखो क्या हो गया है, बांग्लादेश NaN आ गया, इंडिया की वैल्यू 32 हो गई। अब इंडिया की वैल्यू 32, इसने एक्चुअली ऐड करने वक्त क्या किया है, इंडेक्सेस को आपस में मैच किए हैं। अभी देखो इंडिया इसमें तो थर्ड में पड़ा है, इसमें 2 पे पड़ा है, लेकिन इसने 2 वाली वैल्यू को 2 से नहीं ऐड किया ना, इंडिया को इंडिया में ऐड किया। तो इंडिया की 2 वैल्यू और इंडिया की 30 वैल्यू 32 हो गई, पाकिस्तान की 1 वैल्यू और पाकिस्तान की 20 वैल्यू 21 हो गई, और यूएस क्योंकि इसमें है उसमें है नहीं, और बांग्लादेश उसमें उसमें है नहीं, तो इसने इसकी वैल्यू NaN दे दी। अब ये आप इस तरह समझ लें कि इंडेक्सेस को आपस में मैच कर लेता है। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारा डेटा फ्रेम हम जो क्रिएट करेंगे, तो उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आएगी कि सीरीज़ कैसे होती है।